नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत, और आज शंखनाद हो रहा है बिजनौर से। बिजनौर आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे वाला जिला, और यहां के बारे में बताया गया कि 90% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बार के चुनाव में कृषि कानून और साथ ही किसानों का मुद्दा चुनावी रहने वाला है। और उसके बाद ये भी आपको बताएं कि लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, फिर कानून वापसी और अब किसानों की वापसी। तो क्या सोचते हैं यहाँ के किसान और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? यहाँ की बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता भी हमारे साथ है, जो कि अपने सीधे नेताओं से सवाल पूछेगी, और उन नेताओं से भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले दशकों में आखिर यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ बदला। क्योंकि कहा यह गया कि उद्योग के नाम पर सिर्फ चीनी मिले और कुछ नहीं है, बात कानून व्यवस्था की भी होगी, बात बिजली की भी होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिजनौर से शंखनाद। बिजनौर के किसानों का क्या है प्लान? जाटलैंड में गन्ना वर्सेस जिन्ना का घमासान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए, बैरिस्टर बनकर के आए थे। मुझे शंका ही है जिन्ना के अनुयायी हैं, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। पलायन का मुद्दा किसको देगा फायदा? पिछले एक साल से जारी किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान घर लौट रहे हैं। सरकार ने किसान संगठनों की तमाम मांगों पर भी अपनी सहमति जता दी है। इसके बावजूद यूपी, हरियाणा के किसानों के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड को साधने के लिए अखिलेश यादव ने जैन चौधरी से हाथ मिला लिया है। पिछले दिनों दोनों पार्टियों ने मेरठ में परिवर्तन रैली की और किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला, तो सीएम योगी ने अपराधियों के तांडव और पलायन के मुद्दे पर बहुआ पर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी, बातचीत कर करके किसानों को चित्त करना चाहती थी, लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित्त कर दिया है। मुझे शंका ही है जिन्ना के अनुयायी है, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। SPRLD की परिवर्तन रैली को जवाब देने के लिए बीजेपी ने पक्की तैयारी की है। बीजेपी 16 दिसंबर को बिजनौर से विजय यात्रा शुरू करेगी, जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली होते हुए 22 को मेरठ पहुंचेगी। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टेकेन ने आज किसान पंचायत की और गन्ना किसानों के मुद्दे उठाए। नहीं हुआ भुगतान, बहुत शुगर फैक्ट्री है कि उन्होंने सिर्फ 24% नहीं करा, 24 दिन का भुगतान करा है पिछले साल। गन्ने की चर्चा करेंगे, धान की चर्चा करेंगे, बिजली की चर्चा करेंगे, रोजगार की चर्चा करेंगे, सब चर्चा करेंगे। बिजनौर में गन्ना के साथ बिजली कानून, पलायन और कानून व्यवस्था मुद्दा है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो गन्ना किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश जिन्ना जिन्ना जप रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। बिजनौर के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटों पर SP को जीत मिली थी, लेकिन उपचुनाव में SP ने नूरपुर सीट भी बीजेपी से छीन ली थी। बिजनौर में इस बार भी किसानों के मुद्दे अहम रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव में गन्ना वर्सेस जिन्ना का मुद्दा हावी रहेगा? क्या अपराधियों से मुक्ति और पलायन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लोग बीजेपी को चुनेंगे, या फिर जाट लैंग्वेज बार नया समीकरण बनेगा? आज शंखनाद में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शंखनाद में जो हमारे साथ खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करवा दें, क्योंकि जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि हम बात गन्ना किसानों की करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बात जिन्ना की करते हैं। गन्ना किसानों की बात होनी चाहिए, लेकिन बीच में वो जिन्ना को ला रहे हैं। मेरे साथ कुंवर भारतेंदु जी हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा मेरे साथ आपको बता दें कि मुनीष त्यागी जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरे साथ जावेद रायन साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मुनीष त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात, प्रवीण देशवाल साहब माफ करिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बात मुझे बताइए। आपके लिए कहा गया और आपके लिए भी कहा गया, आज जेपी नड्डा जी ने कहा कि अब
हेलो बात तो और किसानों की बात पूरा देश जानता है। किसान पिछले दो वर्षों में जो किसानों की हालत हुई है वो पूरा देश जानता है। किसानों के साथ कितनी बड़ी अत्याचार किया इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ किसान का एक मुद्दा बना करके आपने जो बिल वापसी लेकर के क्रेडिट लेना चाह रहे आने वाले 2022 के चुनाव में, पिछले दो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां सो रहे थे, क्यों किसानों के मुद्दे का जवाब तो देंगे कुंवर बाबा, बताइए कहां सो रहे थे आप लोग इतने दिनों से, क्योंकि सवाल बार बार उठ रहा है। सपा सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का भुगतान छोड़ दिया था, किसानों को नहीं दिया था, जो कि योगी सरकार ने दिया है। आपका सवाल या इन्होंने सुना नहीं या जान के टाल रहे हैं, ये जिन्ना की बात क्यों उठा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है वो इस वजह से रह रहा है क्योंकि उसने हिंदुस्तान चुना, वो पाकिस्तान नहीं गया। ये जिस आदमी ने इस देश के टुकड़े कराए ये उससे उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुस्लिम तभी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए बिना हंगामे के मैं जवाब दे रहा हूँ। सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखें और इसका जवाब बहुत शांतिपूर्ण दूंगा। आपका कहना यह है कि आप, अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो राम जी का वंशज हूँ, आप राम जी के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उन मुसलमानों की जो देश छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन आपकी वजह से आपके एतमाद पर 95% हिंदुस्तान की सेकुलर जनता को, हिंदुस्तान की सेकुलर जनता को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं माननीय एमपी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर कहीं हिंदुस्तान नाम का कोई देश हो तो हमें बताइए। इस पृथ्वी पर केवल भारत देश है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान और मुस्लिम तान के नाम पर इस देश को लूटना चाहती है। उसने ये बताइए सर, आपसे सवाल था ये कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये तो आपके गरीब भाई से पूछिए जिसके पहली बार जिसके घर में उजाला आया, बिजली आई। उस गरीब आदमी को जिसके घर में बिजली नहीं थी, उसके जीवन में उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, पहली बार अगर किसी को मुफ्त बिजली देने का काम करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करा है। अगर पहली बार उसके घर में से कालक और धुएं को हटाने का काम करा है, उसके घर में से लकड़ी का चूल्हा हटा के और गैस का सिलेंडर दिया है, तो ये मोदी सरकार और पक्की छत दी है, पक्के मकान बने हैं। आप गरीबों से जाके पूछिए, बिना किसी भेदभाव के अगर गरीब की सहायता हो रही है तो वो भाजपा की। एक सवाल सर आपसे पूछ रहा हूँ, चूल्हा किसानों की जिला तो 90% किसानों का है ना, कृषि से जो लोग जुड़े हुए भाई, कानून वापसी लेना था तो पहले ले लेते ना, क्यों छोड़ दिया था उनको बॉर्डर पर। अगर कानून बहुत साफ सी बात है, कानून गलत थे तो लागू क्यों किए, 7-8 महीने क्यों लगाए। एक मिनट ये जवाब दो ना, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। गैस सिलेंडर के ऊपर पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल गैस सिलेंडर दिया लेकिन सब्सिडी खा रहे। आपसे भी पूछूंगा, सबसे पूछूंगा, सब्सिडी खा रहे। एक मिनट रुकिए, इनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्योंकि मेरा सवाल ये था, एक साल से किसान वहां बैठे थे, पहले ले लेते वापस आ जाते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि ये कहीं हमारी तपस्या में कमी रही कि हम इन कानूनों के फैसले समझा, इन कानूनों के लाभ समझा नहीं पाए, जनता में बता नहीं पाए, किसानों को समझा नहीं पाए। अब कानून इस वजह से वापस लिए गए हैं क्योंकि हम कुछ लोगों को इनके लाभ समझा नहीं पाए। इसमें जिन्होंने भी कानून पढ़े हैं, और मोदी जी और पूरी सरकार बार बार कहती रही कि कानून का वो कौन सा लफ्ज है जिसपे आपको एतराज है, हम लफ्ज बदल देंगे, वो कौन सा अनुच्छेद है उसे बदल देंगे, वो कौन सा कानून है उसका नाम तो बताइए, वो बदल देंगे। मगर जब यूनियन के द्वारा कोई भी नहीं बताया गया तो फिर कानून ही वापसी लिए गए। ये एक मिनट मुझे समय, एक मिनट और दे दीजिए। ये जो अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, इसमें हम सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो मुझे बताइए, प्रतिपक्ष है उसे एक भी मंत्रिमंडल, एक सेकंड गन्ना किसानों की होनी चाहिए, बात गन्ना किसानों की होनी चाहिए, गन्ना किसानों की बात सर, बात जब मैं आ रहा हूँ आपके पास, जब बात गन्ना किसानों की होनी चाहिए, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, तो फिर बात जिन्ना की क्यों होती है। की बात, हम तो गन्ना किसानों की बात करता रहा श्लोक दल हमेशा, जिनसे आपने गठबंधन किया ना सर, जिनसे आपने गठबंधन किया वो बात जिन्ना की कर रहे हैं। हम गन्ना किसानों की, क्या अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी बात जो कर रहे हैं वो समझने में इनके अंतर है, ये उसको खामखा आप समझा दीजिए सर, कोई बात तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं आप समझा, उनका नहीं है, उनका ये कहना नहीं है,
उन्होंने कहने का सीधा सा मतलब ये था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, यहाँ गन्ना किसान 70% आबादी खेती पर आधारित है, हम गन्ना की बात करते हैं, हम किसी बाहर के मुल्क की बात नहीं करते। और रही तीन खेती के किस कानून की बात, एक सेकंड आपने सुना, मुझे भी सुन लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि जिन कानून की बात, शायद आपने नहीं पढ़ा, आप मुट्ठी भर किसानों की बात करते थे, आप खालिस्तान बताते थे, आप ये कहते थे आप तपस्या में कहीं वो हो गया। अगर आपके कानून गलत थे तो आपने 7-8 महीने तक, 1 साल 28 दिन हो गए, किसानों को वहां पे तड़फाया आपने। और अगर सही थे तो आपने वापस क्यों लिए? अगर सही थे तो वापस क्यों लिए? गलत थे तो लागू क्यों किया? समाजवादी पार्टी इलेक्शन के टाइम पे ही जिन्ना को अपना बाप क्यों मान रही है, बताइए राइन साहब। देखिए मैं तो अभी जिन्ना की और देखिए आपसे इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप शांति पूर्वक सुने। किसी तरह का कोई हंगामा, किसी तरह की कोई बदतमीजी हर बार डिबेट में यहाँ होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिससे भी आप सवाल करें शांति पूर्वक करें। मैं आपसे सीधी सी इस सवाल का सीधा जवाब है, पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने मॉब लिंचिंग का काम किया, पिछले 5 साल भगवान श्री राम जी जो हमारे आदर्श है उनके नाम पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई। कहां गए थे मीडिया वाले आप लोग? आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आज मुसलमान को भगवान श्री राम जो हमारे आदर्श, जो प्रोग्राम जा रहा है ना, लाइव जा रहा है, जो सवाल उठा रहे हैं सीधे जनता तक जा रहा है, यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं और पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सवाल उठाएंगे सीधे जनता तक जाएगा। क्यों 5 साल मोबिलाइजेशन पे आपने सवाल नहीं उठाया? बात गन्ने की है तो बिलाई मिल का भुगतान अगर कोई करा दे इस सरकार में। सांसद जी ने एक बात कही थी भुगतान की बात, भुगतान। सांसद जी ने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव कितना छोड़ के गए थे, आगे ये कितना छोड़ के जाएंगे? बताइए सर, आपसे ही सवाल है। भुगतान कह रहे हैं कि भुगतान तो करा दीजिए कम से कम। डेढ़ डेढ़ साल का भुगतान नहीं हुआ था साहब, इतनी छोटी याददाश्त होगी आपकी? अब ये 1 महीना 1.5 महीने का भुगतान नहीं हुआ है माननीय सांसद जी? कितने दिन का सर? मिल का नहीं आया अभी, तारीख बता दीजिए ना। बिलाई का नहीं आया, देखिए तारीख बताइए, कौन सी तारीख का? कहीं नहीं आया बिलाई मिल का। 15 नवंबर तक कहा गया है। किसका? बिलाई मिल का नहीं आया। पंद्रह नवंबर तक कह रहे हैं आप, बताइए। बिल्कुल गलत, आप बताइए। कोई नहीं, ठीक, आप बोल लीजिए, आपको ज्यादा जानकारी होगी शायद। बोलिए। कुछ मिलों का ये सही बात है कि इस साल का भुगतान शुरू हुआ है, लेकिन बिलाई मिल का पिछले साल का नहीं हुआ। अरे सपा के राज में आपको जानकारी नहीं, चौधरी अजीत सिंह ने उसका विरोध करेंगे, भुगतान नहीं होगा। सपा के राज में ये सबसे बड़ी पॉलिटी निकली थी इसलिए अगर सपा के राइन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने क्लियर किया इनको दुखी है कि सपा के कार्यकाल में जो योजना शुरू हुई उसका ये विरोध करेंगे, ये विरोध करेंगे, रिकॉर्ड पेराई गन्ने की हमारी सरकार में हुई है, और जो इतना पुराना भुगतान था वो सब निपटा दिया गया है, और जो आपका सवाल है जो आने वाला भुगतान है उसका भी एक एक पैसा दिया जाएगा। लोन सैंक्शन हो गया है, सॉफ्ट लोन दे दिया जाएगा मिलों को, और पैसा एक एक किसान का भुगतान किया जाएगा। ठीक, जल्दी सवाल को आपका सवाल था कि ये जब भी सरकार सपा चुनाव से पहले जिन्ना को क्यों याद करने लगती है, मैं थोड़ा सा इस जिले का इतिहास बताना चाहूंगा कि 1947 में यहाँ पर दंगा नहीं हुआ था जब देश बटा, मगर जब 1989 में सपा सरकार मुलायम सिंह यादव जी की थी तो बिजनौर में दंगा हुआ। जब 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी तो इतना बड़ा कवाल कांड हुआ और फिर से दंगा हुआ। बार बार दंगा तभी होता है जब सपा सरकार क्यों होती है, तभी दंगा क्यों होता है, तभी न्याय व्यवस्था क्यों चरमरा। दंगे वाले लोग सत्ता में हैं तो दंगा कैसे होगा? जब दंगे वाले लोग सत्ता में हैं, पहली बात। दूसरी बात मेरी ये है, सलंधियास का सलंधियास, आपने जितनी योजनाएं, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की, देखिए हिंदुस्तान की आजादी से
जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हिंदुस्तान की आजादी से माननीय मुख्यमंत्री 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी रहे, इतना विकास आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने आजादी के बाद कराया जितना अखिलेश यादव जी ने कराया। ये जिन्ना की बात कर रहे हैं, ये बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं। मोदी जी क्यों गए पाकिस्तान बिरयानी खाने? सर मुनीश जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपको आ रहा हूं। ये जमीन बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये विकास की बात करते हैं, इन्होंने सब कुछ बेचने का काम किया है। इन्होंने एयर इंडिया को बेचने का काम किया है, इन्होंने हवाई अड्डे को बेचने का काम किया है, इन्होंने रेलवे को बेचने का काम किया है, इन्होंने लाल किले को बेचने का काम किया है, जो 18 करोड़ कमाई देता था, आज इन्होंने 5 करोड़ में बेचने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ पत्थर बदलने का काम किया है। ये झूठ बोलने के बहुत माहिर है। ओके प्रवीण जी, प्रवीण बोलिए बोले। देखिए ये भड़काऊ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये भड़काऊ बात करने से कोई लाभ नहीं, इसके अलावा इनके पास कोई, मैं कह रहा हूँ सर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप अगर गठबंधन ना करते, गठबंधन समय मैं गन्ने की बात बता दूं, बता दो अब जल्दी से बता दीजिए, फिर मुझसे दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं। मैं अपने दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ूंगा कि चौधरी अजीत सिंह ने 45 किलोमीटर जो मीलों का दायरा था उसे घटाकर 15 किया था, तब आपके जनपद में मीलें लगी थी, जो एक्स्ट्रा मीलें लगी थी, और सपा के सुन ले भाई सुन ले ये, और चौधरी अजीत सिंह ने जो मीलें लगाई थी सपा के, और उसकी बात नहीं है, केंद्र सरकार लाइसेंस देता था, और केंद्र सरकार के लाइसेंस में माननीय अजीत सिंह जी ने उस मील का उद्घाटन किया था, किसी सरकार में नहीं, सिर्फ उस टाइम में किया था। और रही उसकी बात भुगतान की, हमेशा से गन्ने का भुगतान जब भी चौधरी अजीत सिंह साहब रहे, आप तो उस पर FRP ला रहे थे, FRP का विरोध किया गया था, सरकार किसी की भी रही हो, राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी किसानों के हित के साथ कभी समझौता नहीं किया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सपा के प्रवक्ता खड़े हैं कि इनके टाइम लाइट कितनी आती थी, इस पे बता दें, एक कार्य बता दें, और गुंडे कितनी रहती थी ये बताएं। बिजली पर आते, ठीक है आप बताइए सर, सवाल आपसे, बिजली घर बनाने का काम किया है? देखिए सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार में अगर बिजली के मुद्दे पे अगर कोई काम उठाकर देखेंगे आप, धरातल पे सबसे ज्यादा मेरे 2-3 सवाल हैं, जवाब है। नंबर एक चीज, अभी TGT में सिलेक्शन हुए हैं, एक बिना पैसे के सिलेक्शन हुए हैं। समाजवादी पार्टी ये बताए कि अगली बार यदि 1% उनकी सरकार आ गई तो क्या लिस्ट सफाई से तो नहीं आएगी? दूसरी बात, कांग्रेस से सवाल ये कि वो कह रही हैं प्रियंका गांधी के 40% महिलाओं को वो देंगी, तो अन्य प्रदेशों में जहां उनकी सरकार है वहां की महिलाओं के साथ अन्याय क्यों, वहां 40% महिलाओं? वाजिब सवाल बताए सर, यूपी के अंदर सिर्फ गन्ना उसकी जिन्ना की और गन्ना की बात होगी, रोजगार की भी बात होगी? मैं आता हूँ बताइए। पेपर कैंसिल हो गया भाई साहब, वो वाला सर मेरा सवाल सपा से है। सर मैं गुंडा राज पे बात करूंगा, मेरी खुद दो सिस्टर थी, जब स्कूटी चलाती थी ना तो उसके पीछे हॉर्न की आवाज आती थी, आज जब से योगी आया है हॉर्न का बाप नहीं बन सकता, योगी बाबा जिंदाबाद। बताओ सुने, बिजनौर में देखो इस बात को काटना मत, बिजनौर में एक ये लाइव जा रहा है, कटेगा ही नहीं, लाइव जा रहा है ये। बिजनौर में एक नेता था हमारा समाजवादी पार्टी का, 50 रुपए लेके मार्केट में घूमता था कि छुट्टे हैं नहीं छुट्टे, आज जिला प्रवक्ता बन गया, कहां से बन गया, दलाली खा के बन गया ना, बताओ दलाली खाई ना और कुछ करा क्या उन लोगों ने? दलाली के अलावा कुछ नहीं करा। जब से मोदी सरकार आई है डंडा इतना कैड़ा हो गया है कि माँ बाप करके जेलों में घुस रहे हैं, तो ये योगी सरकार है। ओके एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बताते हैं आपको, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कानपुर में उनकी रैली थी और इस दौरान उन्होंने कहा आजम जेल में, अखिलेश आजाद क्यों है, ये सवाल उठा। ओवैसी ने कहा आजम मुसलमान है इसलिए जेल में है, CBI ने आखिर अखिलेश पर कृपा क्यों की, ये भी सवाल उठाया। और आपको बता दें कि आज कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे थे, इस दौरान समाजवादी पार्टी और BJP पर हमला बोला। सुनाते हैं आपको क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। आजम खान जेल में है,
और अखिलेश यादव बाहर कैसे बताओ, तो मालूम हुआ कि सीबीआई नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। तो ये सवाल उठाया है। मैं मुनीश जी आप बोल लीजिए, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर। देखिए ये माइक सर ऊपर, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। ये बात कर रहे कांग्रेस की, कांग्रेस ने 20-20 लाख रुपए का था कर्जा माफ करने का काम किया है। इन्होंने कैंप लगाया था, किसी के 9 पैसे, किसी के 45 पैसे, किसी के 50 पैसे। इन्होंने किसानों की इज्जत नीलाम करने का काम इन्होंने किया था। और कांग्रेस स्कूटर भी देगी और मोबाइल भी देगी और 50 कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? क्या देखिए ओवैसी साहब इनडायरेक्टली बीजेपी के एजेंट हैं, इसमें कोई शंका नहीं। एजेंट कैसे? बीजेपी के इनडायरेक्टली एजेंट। जैसे बंगाल में था, बिहार उन्होंने, जैसे बंगाल में कैंडिडेट था, बिहार उन्होंने हरा दिया। जैसे बंगाल में था, नहीं बिहार उन्होंने, बंगाल में कहते हैं सर, वो ये कहते हैं बंगाल में कैंडिडेट खड़ा करना चाहते थे। मेरे सवाल का आप जवाब, उसकी ममता जी की सरकार में आए। अध्यक्ष जी देखिए ओवैसी जी का सीधा एजेंडा है, जहां पे जाएंगे वहां 5% मुसलमानों को बरगला के, जो मुसलमान 5% सांप्रदायिक है, मैं कहता हूं 95% मुसलमानों को और 95% हिंदुओं को हिंदुस्तान का सेकुलर नहीं होता तो मुसलमान की इस ये 30% आबादी देश से बाहर हो गई होती। ओके, ये मैं सैल्यूट करता हूँ 95% हिंदू भाइयों को। देखिए पूरा सवाल आप सुनते नहीं पढ़ा, ये बहुत कमजोरी उत्तर प्रदेश में 110 पूरा सवाल सुनते नहीं है। अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर देना आप। और एक सीट आप जीत पाएंगे 2017 में, फिर 2022 में आप कौन सा कमाल करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये कमाल तो आप देख रहे हैं, ये कमाल ये है कि किसानों के तीनों बिल वापसी है, ये कमाल ही है, ये राष्ट्रीय लोकदल का कमाल है। और एंकर साहब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर आपने मुझे मेरे राष्ट्रीय लोकदल को ये डाइस दिया है तो क्यों नहीं आपकी वैन पे मेरे नेता का फोटो है? सर अखिलेश यादव की फोटो है नहीं है? अखिलेश यादव की फोटो है नहीं? मेरा राष्ट्रीय नेता कर लिया ना गठबंधन, राष्ट्रीय नेता गठबंधन कर लिया ना। और बात है जो मेरा एक सवाल आपसे है, कॉमन मिनिमम पॉइंट होता है, कहा यहाँ चीनी मिले आपने, उसके अलावा कुछ नहीं, जानबूझकर आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जिले में उद्योग को लेकर के काम क्यों नहीं हो? क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या है बिजनौर के लोगों को। देखिए युवा पढ़ाई करते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उन्हें रोजगार मिलता नहीं है, लेकिन इसलिए आपने भ्रष्टाचारी नहीं, बिजनौर के लिए क्या योजना है आपके पास बताइए। जैसे जितने भी उद्योग लगे थे आप देख रहे हैं पूरी न्याय कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। हमारे बच्चे जब पानी देने जाते थे खेत पे तो उनके अपहरण हो जाते थे। चटनी वाला का ब्रिजेंद्र का अपहरण हो गया, वो रात को अपने खेत पे पानी देने गया था 2016 में और दो दिन बाद उसकी लाश मिली। हमारे बच्चे अपने गांव में अपने खेत में सुरक्षित नहीं थे। तो ऐसे समय में बाहर से कौन आएगा सेठ यहाँ पे फैक्ट्री लगाने? सड़कें सब, एक मिनट, कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है। ये जो पुलिस वाले हैं जरा गौर से देखें, इनके कंधे पे यूपी पुलिस लिखा है। कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का विषय है। इस वजह से कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। सड़कों में सपा के टाइम में गड्ढे ही गड्ढे थे, बिजली आ नहीं रही थी। जब सार्वजनिक व्यवस्था कोई भी उद्योगपति यहाँ पर नहीं आएगा। आप बताए राइन साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था और दंगे हुए थे 2013 में, दंगे 2013 में और आपकी सरकार में हुए थे। मैं इसका जवाब आपको बहुत शांति प्रिय, एक मिनट मैं जवाब दूंगा, जवाब आप सुनिए, सुनो एक मिनट, सुनो। देखिए दंगे का जवाब ये है, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितनी हत्याएं पुजारियों के मंदिर की हुई है बिजनौर में 3 हत्याएं भी नहीं है। जवाब दे भारतीय जी, हमें जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं की हत्या हो रही है सरकार में। एक मिनट भाई, अरे ये बताइए भाई, आप बीजेपी की सरकार है, देखो अरे भैया बात सुनो, हाँ बीजेपी की सरकार है, आप महात्माओं के हत्यारों मंदिर में पुजारियों के हत्यारों अब क्यों हो रही है? सुनो बात सुनो, और जब ये बीजेपी सरकार सारे उपक्रम बेच देगी, सारे LIC बेच देगी, एयर इंडिया बेच देगी, तो रोज इनको युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा? मैं पूछता हूँ सर, और भी एक दो सवाल
सर मेरा ये सवाल ये है, ये बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारे देश में से 30% मुसलमान चले जाते, जितनी योजनाएं हमारे देश में अब आ रही हैं, हमारे प्रदेश में हो या देश में, 70% इस बिजनौर के अंदर 70% योजनाओं का लाभ इनके धर्म के लोग ले रहे हैं। वोट लेने और एक जमाना वो था जब 423 साइकिल जो है अधिकार है। बताए जल्दी से, मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय एमपी साहब और से ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, इससे पहले जो राशन की दुकानें हैं ये मोदी जी ने खोली हैं, इससे पहले सरकारों ने खोली हैं, और मोदी जी यूं कहते हैं कि देश में इससे पहले कुछ नहीं हुआ, जब कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी कहां से बेच रहे हैं। सर मैं कहना चाहूँगा ये जो बार बार किसानों का मुद्दा उठ रहा है, किसान भाइयों की 700 लोगों की हत्या जो हुई है उसका पाई पाई का हिसाब ही नहीं देना। सर करप्शन के बारे में पूछना है, और सर उसके अलावा सर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है सर अभी, सर उसमें इंडिया की पोजीशन जो है सर वो लॉस्ट कर दिया इंडिया ने, और भी नीचे पहुंच गया है सर, उसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। हाँ बताइए। एक सेकंड सर, अभिभावक संघ चलाता हूँ बिजनौर में, और मैं एक शब्द अपने माननीय पूर्व सांसद जी से पूछना चाहता हूँ। अभिभावक जब कोरोना चला तो आपको पता है हालत क्या हुई सर लोगों की, प्राइवेट स्कूल से लेकर किसी की फीस अगर माफ करवाई हो इनकी सरकार ने, कहा हो कि भाई इनके बच्चों की फीस कम कर दो, उन्होंने कैसे फीस जमा करी आप इनसे पूछ लीजिए। ओके ओके, तुम्हारे में तो कोई मेरा सवाल पूर्व सांसद जी से है कि जब वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर टिकरी बॉर्डर पर आतंकवादी और खालिस्तानी बैठे थे तो ये राष्ट्रवादी सरकार क्यों झुकी उनके सामने? 700 किसानों को मुद्दा भाई ने कहा कि 700 किसान मर गए, तो किसान यूनियन क्या कर रही थी? 700 किसान वहां मर गए, और मेरे भाई ने एक पीछे वाले चश्मे वाले भाई ने कहा कि रोड अगर चश्मा उतार के देखेगा ना तो रोड ही रोड मिलेंगी। बोले प्रवीण जी आप बोले, बहुत देर से बोले, मैं मुरीश जी आ रहा हूँ, प्रवीण जी बोलिए, पहले आप बोलिए, पहले सुन लीजिए, बोलिए। मैं दो बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी। माननीय सांसद जी ने कहा कि सड़कें बनवाई, अभी बिजनौर में एक सड़क का उद्घाटन आप ही के विधायक जी गए थे आपके पास, और नारियल फोड़ने गए थे, नारियल तो टूटा नहीं, सड़क टूट गई, सड़क टूट गई। ये सवाल मैं आपको बताता हूँ सर, प्रवीण जी कल मैं मुजफ्फरनगर में था, ये सवाल वहाँ भी उठाया गया था, ये सवाल वहाँ उठा गया, मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ, मुझे बताइए, कल ये सवाल वहाँ भी उठा था कि नारियल तोड़ने से सड़क टूट गई, ये कौन सी क्वालिटी थी सर, ये कौन सी क्वालिटी सड़क की? ये काम मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं विधायक रहा हूं, सांसद रहा हूं, मंत्री रहा हूं, सरकार पैसा भेजती है आपके जिले की विभाग को, सड़क जब बनती है तो बजट पता करके विधायक को खुद जाके देखना चाहिए था कि मानक के अनुसार बन रही है या नहीं बन रही है, वो इंतजार क्यों कर रहे थे सिर्फ उद्घाटन करने का, ये उनका काम है, आपका ये उनका काम है। एक भाई ने सवाल उठाया था, उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में आए तो 40% महिलाओं को तवज्जो देंगे, आप कह रहे हैं टिकट भी आप 40% महिलाओं को देंगे, उन्होंने ये कहा कि भाई आप जिन राज्यों में वहाँ क्यों नहीं देते थे पहले, बाद में यहाँ दे लेना। हर जगह पूरे देश में लागू होगा, कांग्रेस जो कहती है वो करने का काम करती है। हम 4,000 रूपए धान का गेहूं का रेट देंगे, हम 400 रूपए गन्ने का रेट देंगे, हम टेलीविजन और मोबाइल फोन देंगे, और एक चीज बताना चाहता हूँ, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, आज इनके सांसद फांसी लगाने का मजबूर है, आज इनके सांसद आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, ये कैसी सरकार बनाने का जिले, आपके जिले में आप थोड़ा थोड़ा आज इनके सांसद आत्महत्या कर रहे हैं, दो दो सांसद इनके हाथ पर क्या करते हैं, आपके नेता बोल रहे हैं, अभी मैं आ जाऊंगा, मुझे दो मिनट आप शांति प्रिय लोग नहीं है, इस बात का उदाहरण आपके सामने, पहली बात। दूसरी बात, जब भी विकास की बात आती है, मेरे मित्र खड़े हैं, मेरे बड़े भाई खड़े हैं बराबर में भारतीय जनता पार्टी के, जब भी विकास की बात आती है ये लोग हंगामे पे उतर जाते हैं, विकास अगर किसी ने किया है और विकास पुरुष को ये, तो अखिलेश यादव जी है, आप इतिहास उठा के देख ले, मुझे एक बात आपको एक मैं माफी चाहते हुए देखिए, जहां तक सवाल बेटियों का है, आप आरक्षण की बात अभी कर रहे थे, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी, मैं उस बात पे आपको, बेटी को जला दिया जाता है, बेटी को जला दिया जाता है उसकी, जबकि उसका अंतिम संस्कार रात में उसको नहीं कर सकते, और हाजी हाथरस में बेटी को जला दिया गया, आप देखिए, आप बेटी बचाने की बात करते हैं, आप बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, इस सरकार में सबसे ज्यादा आंकड़ा बलात्कार का, दलितों पर सबसे ज्यादा। राय साहब मुझे बात बताइए, आपने बिल्कुल बात सही कही, हाथरस में ये कांड हुआ था, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, लेकिन सर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं,
बहुत सारे जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बुरी थी 2017 से लेकर 12 से लेकर 17 तक, उसके बाद से कानून व्यवस्था सुधरी है, बिजली की हालत सुधरी है, आपको अभी भी लगता है कि नहीं सुधरी? पिछली सरकार जो काम करके गई थी, देखिए बिजली के जितने जितने एक मिनट मेरी बिजली के जितने काम और जितना बिजली विभाग में, जितना स्वास्थ्य विभाग में, जितना हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया, ये मैं बता रहा हूँ आपके सहयोगी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं कानून व्यवस्था की इनकी बात कर रहा हूँ। लखीमपुर में क्या हुआ? लखीमपुर में जो किसान विरोध कर रहे थे, अजय टैनी जो आपका ग्रह बिजली घर के बारे में सबसे ज्यादा बनवाया अखिलेश जी, समझे साहब, और वो आपके साथ घूम रहा है और वो उसका लड़का अपराधी है, वो कुछ सवाल लेता हूं फिर मैं। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं, बोल लिया दो तीन बार, कोई नैतिकता है? भैया एक सवाल मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बलात्कार को बढ़ावा किसने दिया? मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बलात्कारियों को कि बच्चे हैं गलती हो जाती है। दूसरा सवाल, जिनके भरोसे को जीतने के लिए इन्होंने हिंदू कार सेवकों को अयोध्या में मरवाया था, क्या उनके भरोसे अब ये? रायन साहब आपसे सवाल पूछा गया था, देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं सुन रहा हूँ पूरा जवाब, पूरा सवाल, देखिए ये शांतिपूर्वक ये बात नहीं सुन पाएंगे आप इस डिबेट में, जब ये फंसते नजर आते हैं, सुनिए देखिए बोलिए, जब ये इस डिबेट में फंसते नजर आते हैं तो इनका सीधा मुद्दा होता है या तो योगी जी मोदी जी का नारा मारे या भगवान श्री राम जी। आप बोलिए, मैं इस बात का सवाल का जवाब जब दूंगा जब ये लोग शांत हो जाएंगे, पहले मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये बात बलात्कार का बढ़ावा अखिलेश जी ने दिया, मैं आपको बता देता हूँ जितने बलात्कार के मुकदमों में सहयोग महिलाओं को और जितनी धनराशि मुआवजे की महिलाओं को दी गई, आप देखो सरकार समाजवादी की 2012 से 2017 तक आंकड़े लेकर के आया करो आप माननीय जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे पास आंकड़े मौजूद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके आंकड़े तो ये है लेकिन कि सरकार ये दावा कर रही है, जला देते हैं सरकार, ये दावा कर रही है, ये सवाल का जवाब एनसीआरबी तो आप जानते होंगे, एनसीआरबी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एनसीआरबी के बारे में तो आपने सुना होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि आपकी सरकार में अपराध के आंकड़े ज्यादा थे, इस सरकार में कम है। भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकाल हो गए, हाँ। अगर इतना भी नहीं कर पाएगी तो डूब के मर जाए, ओके शर्म से डूब के मर जाए। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दो कार्यकाल नहीं, एक ही कार्यकाल है, प्रधानमंत्री जी सर की बात कर रहा हूँ, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ बात कर रहा हूँ सर, जहाँ से व्यवस्था 2017 से 22 की बात, 2017 से 22 की बात है, केवल कागजों पर अपराध कम दिखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारे बजट को रोक दिया गया। जैसे यहाँ के एक अभिभावक ने अभी बताया, खुद बताया कि जब से सरकार आई है तब से लड़कियों से छेड़छाड़, बदतमीजी, चोरी, लूट, ये सब कम हुए हैं, और जैसे आपने अभी कहा ये राष्ट्रीय आंकड़े आप ही कोट कर रहे हैं, तो ये जरा अपने अपने जो लोग खड़े हैं, आपके नेता खड़े हैं, उन पे थोड़ा विश्वास रखिए, आपस में जरा शांति से बात विवाद करने दीजिए। मैं भी ये कह रहा हूँ आपके माननीय जी कि शांति बनाए रखें, ये चर्चा का माहौल है, यहाँ चर्चा देश के लिए हो रही है, सवाल नहीं लिया तो कहेंगे नाइंसाफी हो गई, नोएडा से आए थे बिना सवाल पूछे चले गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आपने कोई कोशिश नहीं की कि कम से कम किसी स्कूल का स्कूल की फीस माफ हो जाए, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे पढ़े नहीं, उनको पैसा देना पड़ा, और इसको लेकर के कह रहे हैं कि कोई योजना नहीं आपके पास। आप प्रवासियों को बात करें, जो लोग आप सुन लीजिए बोलिए सर, बोलिए। कोरोना काल में तमाम काम किया गया है, अस्पतालों को सुधारा गया है, दिन रात काम कराया गया है, राशन मुफ्त में दिया गया है, और आज भी दिया गया है। की मौत भी बहुत हुई है, तेल चना नमक दाल ये सब मुफ्त में राशन में बांटा जा रहा है, जो लोग राशन की दुकानों पर गए होंगे उन्होंने सिर्फ उन्हें आज भी सवाल ये नहीं था कि आज ही बांटा गया है, ओके उन्होंने में तेल भी बांटा जा उन्होंने रहा है, उन्होंने सवाल फीस का है, हमारे 2019 में भर्ती हुई थी दरोगाई भर्ती, बेसब घर बैठे हैं, योगी सरकार वे कहां जाएंगे, वे घर बैठे हैं, ओके बताओ। हाँ, एक मिनट मैं, हाँ केवल जो सपा के यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, काशीराम कॉलोनी आवास विकास में एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, 70 साल के बुजुर्ग के साथ, उसके लिए आपने क्या इंसाफ किया वो मुझे बताइए। भाई आप समाजवादी और भाजपा की बात कर रहे हैं, ये समाजवादी से 2017 में जनता त्रस्त थी और भाजपा से अब तक त्रस्त है, इस बार बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैं आ रहा हूँ, बाकी लोग भी मेरे साथ, बाकी लोग बताओ भाई। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है सर, उससे परेशान है, वो
समाधान करवाओ, पेपर तीन साल से रेलवे का पेपर अब जाके होगा, तीन साल से उम्र भी बढ़ रही है हमारी, तो उसका क्या करें? बीजेपी वाले क्या करते हैं, ये जो सत्ता में है जिसकी सरकार है उससे कोई सवाल नहीं करते, जो सत्ता में नहीं है उनसे सारे सवाल जो उनसे मालूम करते हैं। दूसरी चीज बढ़िया, हमें युवाओं को चाहिए रोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में है, कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में। रेलवे का एग्जाम दिया है मैंने 2019 NTPC, एक मिनट, NTPC का, ना तो कोई रोजगार पे बात कर रहा, ना तो कोई महंगाई पे बात कर रहा, हमें चाहिए रोजगार, हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। ओके ओके, यहाँ बताओ, कोरोना काल में सारी पार्टियां कहाँ थी, जितना योगी जी ने फ्री राशन देने का काम किया है आज तक केंद्र, आज तक जीवन में कोई फ्री, हमें खैरा, अरे भैया एक बार योगी जी को आने दो फिर देखेंगे रोजगार की क्या चाहिए, रोजगार चाहिए बच्चे, युवाओं को रोजगार चाहिए, खैरात नहीं चाहिए किसी को। ये जो राशन की बात कर रहे हैं ना, कई हजार लोगों के करोड़ों रुपए के चालान कराए लोगों ने। भैया मैं ये कहना चाहूंगा, इस सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी हमारी समाज, हमारी बिरादरी, जाट बिरादरी की लगी। मुझे एक बात बताइए, रोजगार बड़ी समस्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप मुझे अगर ये बता पाए कि 2012 से लेकर 17 तक आपने रोजगार के लिए क्या किया था, और 2022 के बाद आपकी क्या योजना अगर आए सत्ता में तो जल्दी से सर। देखिए बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता अगर किसी को दिया, सर महंगाई भत्ता रोजगार नहीं होता है, आप महंगाई भत्ता को रोजगार मानते हैं, बेरोजगारों के लिए देखिए 72,000 भर्ती समाजवादी पार्टी ने निकाली, बहुत सारी योजनाएं रोजगार के, देखिए मेरी बात, रोजगार में 72,000 भर्ती समाजवादी पार्टी ने निकाली, दो मिनट दीजिए, उस भर्ती में भर्ती किया बिना घोटाले के, उनमें जिन्होंने मेहनत की थी उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में टेट का पेपर बच्चों ने किया और उसको लीक कर दिया गया। मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ सर, मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए सर भारतेंदु जी, पिछले 6-7 एग्जाम हुए सारे पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश में, कौन सा रोजगार दिलाएंगे सर अगर पेपर ही ऐसे लीक होता रहा तो? बिल्कुल निष्पक्षता से एग्जाम हो रहे हैं और भर्तियां हो रही हैं, पिछली सरकार में सिर्फ सफाई में भर्तियां होती थी, सारे भर्ती जो होते थे वो एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के होते थे, छात्रों में भी इतना भेदभाव किया गया कि अगर मुस्लिम लड़की इंटर करेगी तो उसे साइकिल मिलेगी, हिंदू लड़की को नहीं मिलेगी। आप गलत कह रहे हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति के, उठा के देखे पहले आप, के आंकड़े उठा के देखे, स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी, स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए गुरुद्वारा, और ये युवा लोग चाहते हैं दो रोटी का सहारा। सांसद जी रोजगार की बात करिए, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब आपसे विकास की बात, मुझे एक बात बताओ प्रवीण देशपांडे, मैं एक सवाल सर आपके नेता से, एक सवाल पूछ लूं सर, एक सवाल सर आपके नेता से पूछ लूं सर, मुझे एक बात बताइए, ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा कि पैसा लेकर के भर्तियां हुई नहीं हुई पता नहीं, आगे थी उनकी सरकार वो जांच करा लेते ज्यादा अच्छा होता, पैसा लेकर के भर्तियां होती रही, सैफई से लिस्ट बनती रही। मेरा सवाल ये है, इनके साथ आप सत्ता में आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि रोजगार ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगा लोगों को, क्योंकि गठबंधन तो आपने कर लिया। देखिए एक मिनट भैया, देखिए अगर आपने हमारा संकल्प पत्र पढ़ा हो तो हमारे संकल्प पत्र में पहला काम यही कहा है कि हम रोजगार युवाओं को देंगे, 1 करोड़ रोजगार देने की हम युवाओं के लिए आश्वासन देते हैं, 1 करोड़ इनका खोखला बास है समझे, और रही जो पिछली आपने सफाई की उसकी बात गई, आपकी 2017 से सरकार थी, अगर वो गलत था तो आपने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं जांच कराई? एक सवाल तो है सर, आप ये आरोप लगाते रहे कि भाई भ्रष्टाचार है भर्तियों में तमाम चीजों में, तो कह रहे हैं जांच करा लेते क्लियर हो जाती, इतनी दिक्कत क्या थी आपको, ना गोमती रिवर फ्रंट की जांच हो पाई, अपनी सड़कों की जांच नहीं हो रही है, सड़क पर नारियल फोड़ दी, सड़क टूट गई, आप ही बता रहे थे कि एक सीट रह गई, वो इसी वजह से रह गई है, और सपा जिस तरह से इनका सफाया हुआ है पूर्ण बहुमत की सरकार से, क्योंकि जनता त्रस्त थी सब, इनके जातिवाद से बिल्कुल त्रस्त थी जनता, इनके भ्रष्टाचार से इनके फिरका परस्त, जनता ने इस वजह से इन्हें जनता ने हटा के और पूर्ण संप्रदायिकता फैलाने की वजह से जनता 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिए, और इस बार भी आप देख रहे हैं कि जनता का रुख, ये कह रहे हैं सड़कों में गड्ढे,
आप देखिए कितनी बढ़िया सड़कें बन रही हैं साहब, हरिद्वार का हाईवे यहाँ से कितना बढ़िया। आपकी बोले आपके पड़ोसी आपके बगल में बहुत पुरानी योजना है सड़क और इन युवाओं को रोजगार। आपके पास सड़कें आपकी नहीं है, वो बताओ नेशनल हाईवे पहला। मैं एक पार्टी विशेष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये सड़कें बन रही हैं, एक तरफ हमसे 15 साल का लूटा जाता है आरटीओ ऑफिस में और दूसरी तरफ हम पे टोल के नाम पर। भैया हर सवाल का एक ही जवाब, आएंगे तो योगी। सड़कों पे टोल भी तो देते हैं सर, जो सड़क बन रही है उसका पैसा दे तो रहे हैं। मेरा सवाल कुंवर जी से है कि ये इतने टाइम तक सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ हमेशा चुनाव के वक्त ही क्यों नजर आते हैं? एक मिनट, हमारे माननीय MLA साहब 4.5 साल खाते हैं, 5 महीने बचे तो घर से बाहर निकल। चाहे कुछ भी आएंगे योगी। भैया भर्ती पे जो बात होनी चाहिए ना, पहले में जो इनकी सपा की सरकार रही ना 5 साल में, उनका आंकड़ा देखो और योगी के 5 साल का आंकड़ा देखो, उसमें भर्तियां सबसे ज्यादा हुई है। सड़क कहाँ गई हमारी? अभी जो बोल रहा था हमने, जो हमारी जो सड़क पे जो नारियल मार का टूट गई वो सड़क कहाँ है? ओके मैं एक बात कह रहा हूँ मुनीष जी, मैं एक बार फिर से एक मिनट मुनीष जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक सवाल एक सज्जन ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ 40% देने की बात करते हो महिलाओं को टिकट, आप बाकी राज्यों में क्यों नहीं दे देते हैं? जो बाकी राज्य हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, अब लागू करेंगे ना। हाँ। अब पत्र आया ना, अब प्रतिज्ञा ली ना हमने। एक सच बात बताऊं, 2500 रुपए धान एक और गेहूं का रेट है, 400 रुपए गन्ने का रेट है, सबको शिक्षा मित्रों को रोजगार। एक सच बात बताऊं सर आपको, आप पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, आप पुराने नेता, मानना चाहिए आपको, आपको 40% महिला उम्मीदवार नहीं मिलेंगी, कहाँ से लाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ये जानकारी लेके बता रहा हूँ आपको, महिलाएं बहुत हैं। हाँ। आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, सबको साथ लेके चलने का बात करती है। ये केवल चुनावी नारे हैं, इन्हें भी पता है इस पूरे जिले में कांग्रेस ना एक सीट जीती ना जीतेगी। कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है, हम सब यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब जानते हैं इस बात को। इनकी साल इस बार की योजना क्या है 22 की आपकी, कोई योजना है? हमारी योजना है, हमारा घोषणा, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का कन्या भुगतान 14 दिन में करेंगे, महिलाओं को उनकी व्यवस्था सुरक्षा देंगे। देखिए मुद्रा योजना, अनेकों योजनाएं, कौशल विकास योजना से तमाम लोगों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लकड़ी के काम का तमाम यहाँ हमारे बिजनौर और नगीना से नजीबाबाद से तमाम एक्सपोर्ट हो रहा है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, लोन दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना लघु उद्योग बढ़ा सकें। भाई ये स्टार्टअप के लिए कह रहे हैं, बहुत सारे हम काम कर रहे हैं प्रवीण जी, काम नहीं किया। उज्ज्वला के लिए जो इन्होंने गैस सिलेंडर दिए थे उनका सिलेंडर नहीं भरा, 200-450 का सिलेंडर आज 1000 में मिल रहा, और हालात ये आप सारे लोगों ने एक भी। मैं डॉक्टर एम कासिम पीनो निवासी, मैं चाहता 5 साल की भाजपा की सरकार में आज पीनो पंडित दीनदयाल से। चलिए आप अपने नेता से बात करें, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शंखनाद में बिजनौर से फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।